आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुरादाबाद भारतीय सुहेलदेव में पार्टी को उस समय हड़कंप मच गया जब भोजपुर जिलाध्यक्ष नाजिर पासा सहित अन्य जिलाध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा का गठबंधन के बड़े बड़े दावे करने वाली सुहेलदेव पार्टी आज आपस के टकराव के कारण पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही बलराज सिंह प्रजापति ने नाजिर पासा सहित पार्टी को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को खो दिया। जब भोजपुर जिलाध्यक्ष नाजिर पासा से पार्टी छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि सुहेलदेव पार्टी के पश्चिमी प्रभारी बलराज सिंह प्रजापति लोगों से पैसे लेकर जिलाध्यक्ष पद बांटते हैं। उन्होंने मुझसे भी 1,00,000 रुपये लेकर जिलाध्यक्ष का पद मुझे दिया था। आज मीटिंग में मेरी वजह से किसी और को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा था। पैसे लेकर जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। तभी मैंने और मेरे साथ अरविंद कुमार सिंह जिलाध्यक्ष संभल, मुनीश पाल सिंह जिलाध्यक्ष बदायूं, सुरेंद्र लोहिया जिलाध्यक्ष अमरोहा आदि ने भी पार्टी को तुरंत छोड़ने का फैसला ले लिया और भारतीय जननायक पार्टी में अपने पूरे साथियों के साथ शामिल हो गए। उधर भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी इरफान ने बताया कि नासिर पाशा का हमसे संपर्क किया कि हम अपने सभी साथियों के साथ जननायक पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तभी बिना सोचे समझे उसने हमसे कहा कि आपके सभी साथियों का हमारी पार्टी में स्वागत है और तुरंत एक मीटिंग करके हमने नाजिर पासा व अन्य जिलाध्यक्ष व उनके साथियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद, हिबुल हसन, शरीफ अहमद, जुम्मा हुसैन, जाकिर अली, रियासत हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ मैं प्रेसिडेंट रहा था, ये के बराबर मेरी भी किसी के बीच बीच में बड़ा था। यहाँ अभी हमारे 17 तारीख को मुरादाबाद में मीटिंग रही गई है सर्किट हाउस में। कैसा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप थोड़ा अवगत कराएं कि सर्किट हाउस में जगह जो है बुक करा दें वो जिलाधिकारी महोदय से कहकर के, जैसे भी कराएं वो उनकी अच्छी बात है। सिटी पंचायत अभी हमें उतनी पावर नहीं मिली है क्योंकि हमारे पास अन्य कोई लेकर आया ना, तो चलो हम अपने स्तर से करा लें, जगह का इंतजाम करें जल्दी से। 17 तारीख में हो सकता है सभी जिलों के जिला अध्यक्ष वहाँ भाग रहेंगे। नंबर डायरी में उतरिए बड़ी वाली डायरी में, हाँ बुला संपर्क साफ होना चाहिए। और पहले भारतीय समाज पार्टी में एकदम से जब देखा कि 5 जिलाध्यक्ष वजह तो नाजिर पासा जी जाने जिलाध्यक्ष जी की क्या वजह रही है, लेकिन मुझे नाजिर पासा जी ने फ़ोन किया, जिलाध्यक्ष जी ने उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद तुरंत मैं उनके पास पहुंचा और बाकी सभी जिलाध्यक्षों के साथ 5 जिलाध्यक्ष थे उनके साथ में मैंने पार्टी में भारतीय जननायक पार्टी में उनका खैर मकदम किया, वेलकम किया। आप नाजिर पाशा सुहेलदेव पार्टी में काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, आपने ये वजह पूछी कि एकदम पार्टी को छोड़ने का क्या रीज़न रहा और मेरी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या वजह रही? वो ज्वाइन यूँ करना चाहते हैं क्योंकि हमारी भारतीय जननायक पार्टी जो है जो सताए हमें बताए हमारी पार्टी का ये नारा है और ये टोटल जो है पार्टी जो कहती है वो करती है, इसकी करनी कतनी में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको लगता है कि नाजिर जो है वो किसी न किसी के सताए हुए हैं? हाँ सताए हुए हैं तभी क्या कि मैं इधर को आए हैं, मेरे साथ भारतीय जननायक पार्टी में उन्होंने उपस्थिति दी है। तो किस प्रकार का सहयोग करेंगे आप नाजिर पाशा को? हर तरह का हम सहयोग करेंगे, जहाँ जहाँ इनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी पूरी तरह से इनके सहयोग करेंगे और कांधे से कांधा मिलाकर इनके साथ हम काम करेंगे। आपकी पार्टी में खाली नाजिर पाशा आए या उनके साथ तमाम जिलाध्यक्ष उनकी पार्टी के जो कार्य इनके साथ में नाजिर पाशा जी जिलाध्यक्ष जी के साथ में 5 जिलाध्यक्ष और हैं और पूरी टीमें उन जिलाध्यक्षों के साथ में साथ आई हैं, उन सबका मैंने जाकर का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। नाजिर जी आज आपकी मीटिंग थी, आज काफ़ी बड़ी मीटिंग थी सर्किट हाउस में, ये सुनने में आया है कि आपने सुहेलदेव पार्टी को छोड़ दिया है, क्या वजह रही है सुहेलदेव पार्टी जी? देखिए सुहेलदेव पार्टी के विचार और उसके जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैन बलराज सिंह प्रजापति हैं वो आए दिन पार्टी से लोगों को निकालता है और आए दिन बनाता है। 1,00,000 रुपये लेकर के मुझसे भी 1,00,000 रुपये उसने वसूले थे जब मुझे लेटर दिया था, आज दूसरे से उसने 1,50,000 रुपया ले लिया,
तो मुझे मंडल में जगह दी, मैंने उन्हें लिख करके दे दिया कि मैं आपकी पार्टी में काम नहीं करना चाहता। और मैंने ही नहीं, अमरोहा जिला अध्यक्ष, संभल जिला अध्यक्ष, बदायूं जिला अध्यक्ष, बिजनौर जिला अध्यक्ष, हम 5-6 जिला अध्यक्षों ने जो है एक साथ रिजाइन दिया है और हमारी पूरी कमेटी भारतीय जननायक पार्टी में एंट्री की है। और भारतीय जननायक पार्टी में जो है हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे और पूरा संगठन भारतीय जननायक पार्टी में ही चला गया। आपने अपनी मजबूत टीम खड़ी करी थी, काफ़ी कार्यकर्ता भोजपुर से इकट्ठे करे थे और तमाम शहर से इकट्ठे करे थे, आपको नहीं लगता कि आपका जो निर्णय लिया गया है ये कहीं गलत कदम ना हो जाए कहीं? ये नहीं, हमारे लिए क्या गलत होगा, पार्टी के लिए होगा, सुहेलदेव के लिए होगा, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। हमसे उन्होंने, हमने, हम बने रहे जिला अध्यक्ष, हमने अपने हिसाब से पार्टी के लिए काफ़ी वक्त दिया, काफ़ी वक्त की दिया और काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बड़ी टीम बनाई, उन लोगों को जो है उसका धन्यवाद। और हमने जो है मानकर चले जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे वो अब जो है जननायक पार्टी में आपके साथ वैसे रहेंगे जैसे सुहेलदेव पार्टी, जैसे सुहेलदेव पार्टी में मेरे साथ थे वैसे ही मेरे टोटल मुरादाबाद के कार्यकर्ता सब टोटल ही जननायक पार्टी में भाग लेंगे। और सभी ने जो है एंट्री की है, सभी लोग मेहनत से काम करने के लिए तैयार हैं। एकलव्य विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल राजघाट कालपी जालौन प्ले ग्रुप 2 8 व्यवस्थाएं स्वच्छ एवं साफ सुथरा वातावरण खेलकूद का मैदान योग्य एवं अनुभवी टीचर्स प्रत्येक कक्षा में 2 टीचर्स मासिक शुल्क नर्सरी से 5th क्लास तक मात्र ₹300 कोई अन्य शुल्क नहीं। वहीं बच्चे प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तक पहुंचाना किसी प्रकार का वादा या प्रलोभन नहीं। यहाँ 25 सालों से शिक्षा जगत में विश्वसनीय संस्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण संस्कार, श्रम शिक्षा का वातावरण, राजघाट कालपी जालौन 9451702766। राम उजागर यादव ग्राम देवकली प्रधान एवं संदीप कुमार गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।